चाबी से रिलेटेड एक और प्रॉब्लम आती है मार्केट के अंदर, ये चाबी को रिपेयर करने का काम आता है। ठीक है जी, इसमें रिपेयर क्या क्या होता है देखो। एक सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम जो आती है, हम लोग इस बटन को प्रेस कर रहे हैं, प्रेस करके ये यहाँ पे, ठीक है, लॉक हो गई। ये लॉक बहुत ज्यादा फॉल्टी हो जाता है, चाबी गिरने लग जाती है ऐसे। हमने चाबी को लॉक किया, ब्लेड को यहाँ पे फिट कर दिया, जब हम दबाएंगे तो वो खुल जाएगी। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। ये अब इसको फिट करने कैसे किया जाए, इसकी जो स्प्रिंग है उसका, इसको कैसे सेट किया जाए, ये सारा आपके साथ डिस्कस करेंगे। दूसरी प्रॉब्लम आती है, इन तीनों में से कोई एक बटन फॉल्टी हो जाता है। लॉक बटन, अनलॉक बटन, उसके कारण क्या क्या हैं। पानी पड़ गया, बटन खराब हो गया, पीसीबी बिल्कुल डेड हो गया पानी के कारण। इसमें हम लोग पीसीबी चेंज कर सकते हैं, बॉडी चेंज कर सकते हैं, ये जब टूट जाता है ब्लेड चेंज कर सकते हैं। इसके जो काम है एक एक करके सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सर इनको ये स्प्रिंग ये कैसे सेट किया जाता है वो बताइए। एक तो इसको ऐसे खोल सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसकी ये लाइन है, यहाँ पे इसको पकड़ दिया और यहाँ से इसको ऐसे कर दिया, ये खुल जाएगा। दूसरा तरीका ऐसे ऐसे, ये खुल गया। ठीक है जी, ऐसे इसको खोलना है और ऐसे इसका पीसीबी निकलेगा। ठीक है जी, फिर ये आपने जो ये छोटे वाला वो लेना है, यहाँ पे एक स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू है, स्क्रू ड्राइवर लेना है मोबाइल वाला, उसके साथ ऐसे एक एक करके इसका स्क्रू निकाल लेना है। अब इसके अंदर जो सर ने बताया एक प्रॉब्लम एक्स्ट्रा और है, जो है ये देखिए, इसके अंदर एक रबड़ है, ये रबड़ गिर जाती है। जब ये रबड़ गिर जाती है तब जो उसका लॉक और अनलॉक प्रेस करते हैं वो प्रॉपर प्रेस नहीं होता। ठीक है, तो रबड़ तो अलग से मिलती नहीं है, तो पूरी बॉडी मिलती है हमें। ठीक है जी, तो हमें पूरी फिर बॉडी चेंज करनी पड़ती है। अभी ये हमने इसके स्क्रू जो है निकाल दिए, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ऐसे प्रेस करेंगे और ये निकल गया। फिर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे ये आपका निकल गया। ये मेटल मटेरियल है, कई बार क्या होता है कि ये प्लास्टिक का भी होता है तो वो घिस जाता है ऐसे चलने से ना, कई लोगों के हाथ जो बार 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 इसको बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, बंद करते रहते हैं, खोलते रहते हैं, तो वो घिस जाता है। तब वो प्लास्टिक का होता है तो वो फिक्स होता है, अभी ये मेटल का है तो अलग से है। अगर ये खराब हो गया, आप किसी पुरानी चाबी से, जैसे उसका कोई और पार्ट खराब है ना, तो ये वाला सही है तो आप चेंज कर सकते हो, ऐसे चेंज करोगे तो वो चल जाएगा। ठीक है जी, अब स्प्रिंग है, स्प्रिंग यहाँ पे ऐसे सेट होता है, ये होती है इसके अंदर, ये होती है वो बटन, बटन के अंदर ये ऐसे स्प्रिंग होता है, ये उसकी स्प्रिंग की एक लाइन होती है, ये ऐसे यहाँ पे ये लग गई। अभी ये स्प्रिंग हिलेगा नहीं, ना तो राइट को हिलेगा ना लेफ्ट को हिलेगा, घूमेगा। ठीक है जी, फिर क्या करना है, इसको उसकी पोजीशन पे सेट करना है अच्छे से, ये इसकी पोजीशन है। ठीक है जी, अभी ये बटन बाहर आ गया और ये जो साइड वाले लॉक हैं वो भी बाहर आ गए। अगर आप इसको गलत फिट करोगे तो फिट ही नहीं होगा, ये देखिए अभी फिट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर पोजीशन यही है। अभी ये देखिए यहाँ से ऐसे शुरू होगा और इसको देखिए डॉट को, ये डॉट है ना, इसको गिनना है, यहाँ से शुरू है और ये इसका पूरा एक राउंड हो गया, एक और यहाँ पे, बस एक राउंड देना है इसको ऐसे, और ऐसे इसको पकड़ना है कि ये भी ना गिरे, ये वाला ये हिस्सा भी ना गिरे और ये भी पकड़ा रहे, क्योंकि यहाँ पे लॉक है ना, उससे उधर उधर से उसको मैंने उंगलियों से पकड़ लिया। तो सबसे पहले क्या करना है आपने, ये इसके अंदर डालना है ऐसे, और ऐसे इसको पकड़ लेना है, ये प्रेस कर देना, ये लग गए लॉक। फिर आपने क्या करना है, इस बटन को ऐसे प्रेस करके चेक करना कि अभी तो आपने लॉक लगाया हुआ है ना, ये ब्लेड का हिस्सा जहाँ पे है
ये दबाया, ये खुल गया ऊपर आ गया। अब इसको दोबारा से ऐसे दबाया, ये देखिए लॉक लग गया ना, ये टक्की बाद लॉक लग गया, ये खुल गया। अब ये प्रॉपर काम कर रहा है। फिर हमें क्या करना है, इसको दोबारा से ये यहाँ पे स्क्रू फिट कर देना। ये स्क्रू फिट कर दिए, बस इतना सा काम था हमारा। अभी क्या है, ये पीसीबी दोबारा से ऐसे इसके अंदर रखना है और ढक्कन लगाएंगे और ये पैक हो जाएगा, ठीक है जी। अब जो उसके इसके अंदर के जो है फॉल्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। ये बटन है, ठीक है जी। ये बटन को चेक करने का इसका एक अलग तरीका है, मल्टीमीटर लेके आइए आप। ये बीप के ऊपर है, ये बीप के ऊपर ही चेक होता है। ऐसे लेना है आपने, एक तो ये देखिए, एक टांग इसकी इधर है बटन की और एक टांग इसकी इधर है। ऐसे इसको चेक करोगे तो ये चेक नहीं होगा, आप इसको क्रॉसिंग में चेक करेंगे हमेशा ऐसे। ये देखिए बटन दबाया और बीप आ गई, ये ओके है। अगर ये कंटिन्यूस बीप देगा बिना बटन दबाए तो ये क्या है, खराब है, शॉर्ट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, लगाने पे बीप नहीं देगा तो ये, हाँ जी। एक फॉल्टी एक और होता है, जैसे कि इसके अंदर प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक है, लेकिन उसके अंदर एक जैसे उसको फंगस बोलते हैं, एक गीलापन सा आ जाता है, एक लिक्विड सा आ जाता है इसके अंदर, मॉइस्चराइजर बोल दे उसको ना, तो वो मॉइस्चर इसके अंदर घुस जाता है बटन के अंदर, तो क्या है वो प्रॉपर काम नहीं करता। उस चक्कर में आपको क्या है, बटन चेंज ही करना है। उसके अंदर देखेगा आपको कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, लेकिन जब सेल डालोगे तो वो प्रो चलेगा नहीं, तो आपको बटन क्या है चेंज करना ही करना है। क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है, वो बटन अपने आप थोड़ी देर बाद चलता रहता है, वो या तो वो सेल को ज़्यादा देर चलने नहीं देता, सेल जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है आपका। कस्टमर बोलता है कि अभी सेल डलवाया था, सेल जल्दी डाउन हो गया, तो बटन चेंज करना है हमें। बटन चेंज करेंगे तो समाधान हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब सेम रिमोट आ गया आपके पास ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे ईप्रोम लगी हुई है, इसके अंदर आपका डाटा है। अभी कस्टमर आया, कई बार क्या होता है, सेंटर लॉक जो होती है बहुत पुरानी होती है, तो क्या है उसकी प्रोग्रामिंग नहीं हो रही, ना तो उसकी कोई वायरिंग बनी हुई है। तो हमारे पास ऐसी आई थी कंप्लेंट, हमने क्या किया था, उसका ईप्रोम उठाया, नए वाले सेम रिमोट में रख दिया। सेम में रखना है, पीसीबी अलग नहीं होना चाहिए, सेम पीसीबी होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें आप ईप्रोम रखोगे तो कोई मैचिंग की करने की जरूरत नहीं, कोई कुछ डाटा डालने की जरूरत नहीं, आपका सीधा रिमोट चल जाएगा। ये मतलब जैसे पोलो या ऐसे बहुत से व्हीकल्स हैं जिसमें इस तरीके से काम करना पड़ता है, सेम पीसीबी बोर्ड, सेम गाड़ी, सेम कंपनी, ठीक है, मॉडल सेम कंपनी, सेम पीसीबी बोर्ड, सेम रिमोट। आपके पास इस तरह का केस आ गया कि आप उसको क्लोन नहीं कर सकते, इसको रीड नहीं कर सकते, तो आप ईप्रोम को रिमूव कीजिए, दूसरे पीसीबी बोर्ड में लगा दीजिए, तो काम हो गया, ओके। कई बार मैचिंग नहीं होती, यदि मैचिंग नहीं होती तो उस समय हम पूरा ईप्रोम उठाकर दूसरे में लगा सकते हैं और हमारा रिमोट मैच हो गया। आपको कहीं नहीं जाना कि रिमोट मैच करने जाना है, गाड़ी 10 किलोमीटर पे खड़ी है या गाड़ी में कोई अदर प्रॉब्लम है, तो आप सीधा रिमोट में से ईप्रोम उठाओ, दूसरे में लगाओ, काम हो, ठीक है।